ठीक है, फिर से चलो स्टार्टिंग से। पहले मैंने एक कर्व ड्रॉ किया। कर्व का इक्वेशन क्या है? वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब कोई भी एक्स में इक्वेशन। ठीक है, अब मैं रैंडमली एक पॉइंट ले रहा हूँ एक्स इक्वल्स टू ए। ठीक है, मुझे इसी पॉइंट पे कर्व का डिफरेंशिएशन निकालना है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? स्मॉल चेंज इन वाई डिवाइड बाई स्मॉल चेंज इन एक्स, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन एक्स। और अच्छे समझेंगे तो एक्स चेंज होने पर वाई कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब एक्स का चेंज वाई को कैसे अफेक्ट कर रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब हम लोग एक्स को चेंज करेंगे तो वाई में कितना चेंज होगा, ये हम लोग फाइंड करेंगे डिफरेंशिएशन से। यह है बेसिक डेफिनेशन डिफरेंशिएशन का। ठीक है, चलो हम लोग ने एक रैंडमली पॉइंट उठाया एक्स इक्वल्स टू ए, और हम लोग बोल रहे हैं कि मुझे इस पॉइंट पे क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन चाहिए। करेक्ट, अगर एक्स इक्वल्स टू ए है तो वाई इक्वल्स टू क्या होगा, एफ ऑफ ए। बिकॉज मैंने एक्स की जगह पे क्या डाल दिया है, एक्स की जगह पे यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है ए को। राइट, अब चलो आगे बढ़ते। अब यहाँ पे मुझे और एक पॉइंट चाहिए। मैं एक छोटा सा डिस्टेंस लूंगा एच डिस्टेंस। एच डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज इनफाइनाइट, मतलब बहुत ही स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। राइट, बहुत छोटा डिस्टेंस है ये। ठीक है, थोड़ा सा इधर देता हूँ मैं ताकि दिखे तुमको। अगर ये डिस्टेंस एच होगा तो ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, ए प्लस एच। इतना समझा? यस सर। ठीक है, तो बता वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। बता, इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच। राइट, एफ ऑफ ए प्लस एच। नाउ व्हाट डू वी वांट? वी नो दैट डिफरेंशिएशन, ये साइन होता है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, एफ डैश ऑफ ए, जब डैश लगाते हैं इसका मतलब डिफरेंशिएशन। तो एफ डैश ऑफ ए मैं कैसे लिखूं, चेंज इन वाई। ठीक है, वाई कितना चेंज हुआ, एफ ऑफ ए था और एफ ऑफ ए प्लस एच हो गया। चेंज इन वाई कितना हुआ, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, चेंज इन वाई समझ में आया। यस सर। चेंज इन एक्स कितना हुआ, ए प्लस एच माइनस ए। पहले ए था फिर ए प्लस एच हो गया। अब मैंने क्या बोला कि एच इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, हम लोग बहुत स्मॉल एक यूनिट के लिए कंसिडर कर रहे हैं इसको। सो विल राइट लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो हियर टू सेटिस्फाई दैट एच इज वेरी स्मॉल। ओके, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो क्या बनेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई ए। ए विल गेट कैंसल इन हियर डिनोमिनेटर और आ जाएगा एच। अभी समझ में आया इक्वेशन कैसे आया? यस सर। ठीक है, वैसे इस इक्वेशन से ज्यादा हमें करना नहीं है कुछ, हमें इस जो डिफरेंशिएशन का चैप्टर है इसमें हम लोग को बस जानना है एक इक्वेशन एग्जिस्ट करता है ऐसा। ठीक है, इसी पे से बहुत सारे फॉर्मूलाज डिराइव हुआ है डिफरेंशिएशन के। सो डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूलाज हम लोग लर्न करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन इससे पहले कभी पढ़ा नहीं है ना? नो सर। ओके, सो डिफरेंशिएशन का साइन होता है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मैंने बताया चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, डब्ल्यू आर टी मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, स्मॉल डी रहेगा मतलब स्मॉल चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन एक्स। ठीक है, बेसिक मतलब है इसका। अभी कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेशंस है जो कि आई थिंक नहीं करना है, डायरेक्टली
हमें इसको लर्न करना है. सो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट, ठीक है, पहला फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो. ये क्या हुआ? डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जीरो क्यों हुआ? कांस्टेंट मतलब क्या? कोई भी एक नंबर. डिफरेंशिएशन ऑफ एनी नंबर, सपोज टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है. ये क्यों हुआ? क्योंकि कांस्टेंट मतलब क्या? जो कभी चेंज नहीं होता, है कि नहीं? कांस्टेंट मतलब जो कभी भी चेंज नहीं होता, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो होगा, बिकॉज देयर इज नो चेंज. कांस्टेंट मींस नो चेंज, तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो, ठीक है. अभी अगर y इक्वल्स टू x रेस टू n है, ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन है x रेस टू n, एंड n इज एनी नंबर, ठीक है, n इज अ इंटीजर, सपोज इंटीजर या फिर रियल नंबर भी हो सकता है, इसको रियल नंबर भी ले सकते हैं हम लोग कोई भी. तो यहाँ पे क्या होगा? If y equals to x raised to n, then dy by dx, ठीक है, dy by dx लिखूंगा मैं, will be equals to d by dx of y है क्या? x raised to n, ठीक है, इसका वैल्यू आता है n x raised to n minus 1, ठीक है. ये सब कैसे आया है? ये सब यही फॉर्मूला यूज करके आया है, बट आई थिंक तुम लोग का पोर्शन वगैरह कम हुआ है ना लास्ट ईयर. हेलो, यस सर, तुम लोग का पोर्शन कम हुआ है क्या लास्ट ईयर? नहीं, लास्ट ईयर नहीं, अभी हुआ है, लास्ट ईयर नहीं हुआ था. अच्छा, ठीक है, ओके. तो डिफरेंशिएशन ऑफ x रेस टू n इज n x रेस टू n माइनस 1, ठीक है, इसको समझते हैं जरा. अगर y इक्वल्स टू x स्क्वायर है, ठीक है, तो dy बाय dx क्या हो जाएगा? d बाय dx ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, x रेस टू n का क्या हो रहा है? n x रेस टू n माइनस 1, ठीक है. तो यहाँ पे n है, वो यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और x रेस टू 2 माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 2x. समझ में आ रहा है फॉर्मूला? यस सर. चलो, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, ठीक है. इसका मतलब एक फंक्शन होगा y इक्वल्स टू साइन x, ठीक है, उसका हम लोग dy बाय dx निकाल रहे हैं और y की जगह साइन x रख रहे हैं. तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x द फंक्शन विल बी cos x, देन फोर्थ डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विल बी माइनस साइन x. ये सब तुम्हें याद रखना है, ठीक है. और एक डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x, ठीक है. इन अभी इन ये फॉर्मूलास पढ़े हम लोग ने, इस पे हम लोग थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग भूल ना जाए फॉर्मूलास. चलो, तुम्हें खुद से करना है क्वेश्चन. देखो, मैं दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल्स टू x cube, find dy by dx. क्या होगा? 3x square. Correct. So dy by dx is 3x square. चलो, question 2. y equals to x square plus 5x plus 6, find again dy by dx. तो x plus 5 plus 0, y dash भी लिख सकता हूं इसको मैं, और we can write it as dy by dx, no issue. तो 2x plus 5 answer.
जीरो क्यों लेंगे, ठीक है? मतलब ये तो समझ में आ गया एक्स रेस टू एन वाला पार्ट। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, वाई इक्वल्स टू एक्स रेस टू माइनस टू, चलो ऐसे ही देता हूँ मैं, आई विल गिव दैट, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस सिक्स, इसका आंसर क्या आएगा? देखो ये बहुत सिंपल है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर को हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स रेज टू माइनस टू, ये पता है ना? यस सर। और प्लस फाइव एक्स रेज टू माइनस वन, ये भी पता है, प्लस सिक्स तो सिक्स ही रहेगा, ठीक है? डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा सेम फॉर्मूला, माइनस टू एक्स रेज टू माइनस टू माइनस वन, ठीक है? समझा ना कैसे करना है? ओके, ऐसे हम लोग प्रोसीड करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस फाइव डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस जीरो, अंडरस्टूड? नो सर। कौन सा पार्ट नहीं समझा? लास्ट पार्ट। अच्छा देखो, माइनस टू माइनस वन कितना होता है? माइनस थ्री। अच्छा ये ही नहीं समझा क्या ये पूरा? यस। ये कैसा है? अच्छा, एक्स रेज टू एन का डिफरेंशिएशन क्या है? अभी हम लोग ने फॉर्मूला देखा था ना, क्या था फॉर्मूला? चलो ऊपर जाते हैं फॉर्मूला के लिए, एन रेस टू, क्या था फॉर्मूला? एन रेस टू एक्स, हाँ, एन माइनस वन। सो द फॉर्मूला वाज एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, मेरे पास क्या है, एक्स रेस टू माइनस टू, ठीक है? मतलब n की जगह माइनस टू चाहिए मुझे, तो माइनस टू एक्स रेस टू माइनस टू माइनस वन, समझा कि नहीं? यस। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी एक्स रेस टू माइनस वन था, तो माइनस वन इंटू एक्स रेस टू माइनस वन माइनस वन, गॉट इट? यस। चलो अब क्या हुआ, यहाँ पे है माइनस टू माइनस वन, माइनस टू माइनस वन कितना होता है? माइनस टू इंटू एक्स रेस टू माइनस थ्री, ठीक है? अभी एक्स रेस टू माइनस थ्री को मैंने वन अपॉन एक्स क्यूब लिखा, तो प्रॉब्लम है क्या इसमें? और यहाँ पे एक्स रेस टू माइनस टू को वन अपॉन एक्स स्क्वायर लिख दिया। ओके, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, ठीक है? अब इसी में घुमा के क्वेश्चन दे सकते हैं इसमें, तो इससे ज्यादा कुछ वैरायटी नहीं आएगा इसमें, ठीक है? सो विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर फोर, विल राइट y इक्वल्स टू फोर साइन x प्लस सिक्स कॉस x, ठीक है? ये करके बताओ, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो, फॉर्मूला ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, एंड फॉर्मूला फॉर कॉस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, फोर कॉस एक्स माइनस सिक्स साइन एक्स। चलो तो और कुछ फॉर्मूलाज है उसको भी देख लेते हैं, इतना हम लोग ने नॉर्मल एक प्रैक्टिस बेसिक प्रैक्टिस कर लिया है, और हम लोग फॉर्मूलाज देखेंगे इसमें, तो हम लोग ने कितने पांच फॉर्मूलाज देखे हैं अब तक, विल स्टार्ट विद सिक्स्थ। मच्छर, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन,
करूंगा. सिक्स्थ क्वेश्चन है, सॉरी सिक्स्थ फॉर्मूला, एच डी डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स. ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डिफरेंशिएशन याद रखना है. डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स इज सेक एक्स टैन एक्स. फिर क्या बाकी है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स. एट्थ, ये सिर्फ याद रखना है, अभी इसका कुछ प्रूफ डेरिवेशन है सब कुछ है नहीं, सिर्फ याद रखना है. डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स इज नथिंग बट माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स. फिर आ जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स. ठीक है, ये बहुत अच्छा फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन इज सेम एज द फंक्शन इटसेल्फ. द डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस टू एक्स विल बी ई रेस टू एक्स. नेक्स्ट हमारा आता है डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स. ठीक है, ए रेस टू एक्स मतलब कोई भी, टू रेस टू एक्स. अच्छा मुझे ये बताओ, ए रेस टू एक्स का मतलब पता है ना? नो सर. अच्छा, ए रेस टू एक्स एक फंक्शन, एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है. दिस वी कॉल इट एज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल. ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में. e is a constant value, that is 2.71. ठीक है, और भी बहुत होते हैं, infinite तक जाता है. जैसे पाई का होता है, पाई पता है constant होता है, क्या होता है वो 3.14159 dot dot dot, right? Yes. वैसे ही e एक constant है, this is exponential constant, exponential constant. उसका एक function हम लोग ने बनाया, obviously use है इसलिए बनाया रहेगा. तो e raised to x, that is our exponential function, ऐसा एक function होता है. इस function में special क्या है, किसका differentiation उसका function वापस देता है. ठीक है, और एक speciality है इसमें, that is integration भी वही होता है. अगर मैं integrate भी करूँ तो भी हम लोग को e raised to x से मिलेगा. ठीक है, but integration हम लोग पढ़ रहे नहीं अभी, differentiation पे focus रहेगा हमारा. तो differentiation of an exponential function will result in a exponential function. अभी ए रेस टू एक्स मतलब क्या, ए रेस टू एक्स मतलब कोई भी, ए मतलब कुछ भी हो सकता है, टू रेस टू एक्स, थ्री रेस टू एक्स, फाइव रेस टू एक्स. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. तो ए रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए रेस टू एक्स एल एन ए. एल एन क्या होता है, एनी आइडिया? नो सर. कोई बात नहीं, स्टार्टिंग अब इधर ही पढ़ना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं कि पहले से पता होता है, ऐसे ही पूछ रहा था मैं. ठीक है, लॉग पढ़ा है, लॉग लॉग तो पढ़ा रहेगा ना? यस. तो हम लोग क्या लिखते हैं, लॉग फाइव मतलब हम लोग अज्यूम करते हैं कि लॉग टू द बेस 10 फाइव, राइट? ये हमारा बेसिक मतलब होता है लॉग का. लेकिन ln का मतलब होता है लॉग टू द बेस e, ये ध्यान में रखना, लॉग टू द बेस e a. ठीक है, तो अगर याद नहीं रहेगा तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, a रेज टू x log टू द बेस e a. ठीक है, सारे log की प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगे इसमें, ऐसा कुछ नहीं कि अलग कुछ तो है, log ही है ये, बस बेस हम लोग ने e बना दिया इसका. ठीक है, ओके, समझ में आया कि नहीं बताओ? हाँ सर. ठीक है, चलो और कोई बाकी का फॉर्मूला? एक फॉर्मूला बाकी है, अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं अभी लॉग फंक्शन को, लॉग एक्स टू द बेस ए, सो उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 बाई एक्स लॉग ए टू द बेस ई. ठीक है, ये ध्यान रखना, टू द बेस ई, ये हमारे सारे फॉर्मूलाज हो गए. ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं. तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है कि नहीं? हाँ सर है. देयर इज वन मोर, वन अपॉन एक्स एंड देन लॉग एक्स, देन रूट एक्स इज आल्सो देयर. अच्छा, वन अपॉन एक्स रेज टू एन है क्या?
यस, वन अपॉन एक्स रेस टू एन है और वन अपॉन एक्स है, एंड देन देर इज लॉग एक्स ऑल्सो. देखो अभी देखो, जो मैंने ये फॉर्मूला पढ़ा ना तुम्हें, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेस टू एन, ठीक है, दैट इज व्हाट एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, करेक्ट. अभी तुम इसमें कुछ भी ले लो, सपोज मैंने वन बाई एक्स लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ वन बाई एक्स, इसको मैं कैसे लिखूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेस टू माइनस वन, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस वन एक्स रेस टू माइनस वन माइनस वन, दैट इज माइनस वन एक्स रेस टू माइनस टू, एंड यहाँ पे माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर. समझा ये पूरा प्रोसेस? नो सर. अच्छा ध्यान से देखना, ये वन बाय एक्स को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, वन बाय एक्स को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वन बाय एक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स रेस टू माइनस वन. यू अग्री विद दिस? बस अभी मैंने यही फॉर्मूला अप्लाई किया है, एक्स रेस टू एन की जगह पे क्या है, एक्स रेस टू माइनस वन, मतलब एन की जगह पे माइनस वन जाएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ एन की जगह पे माइनस वन, तो बस मैंने वही किया है, एन की जगह पे माइनस वन. देखो एन यहाँ पे था तो मैंने माइनस वन बिठा दिया, एन यहाँ पे था तो मैंने माइनस वन बिठा दिया, और यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस वन था, फॉर्मूला में ही माइनस वन, तो यहाँ पे तो माइनस वन होगा ही. कैसे यूज किया ओके फॉर्मूला को, समझा? यस सर. तो यहाँ पे बना माइनस वन एक्स रेस टू माइनस टू, बिकॉज माइनस वन इज माइनस टू, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना. अभी नो सर. अभी एक्स रेस टू माइनस टू को मैंने डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर लिख दिया, ये है ना फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में, यस सर. ठीक है. तो एक्स रेस टू हालत एन माइनस एन प्लस वन. नहीं, वन बाई एक्स का यही है ना फॉर्मूला, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर. हाँ सॉरी सॉरी. हाँ. हाँ तो हम लोग यही एक फॉर्मूला से हम लोग सारे उसका निकाल सकते हैं जितने भी तुमने बोला, ठीक है. सपोज अभी तुमने क्या बोला, वन अपॉन एक्स रेस टू एन का ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स रेस टू एन, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू माइनस एन, है कि नहीं. यस तो बस एन की जगह पे क्या डालना है हम लोग को, एन की जगह पे माइनस एन डालना है, एन की जगह पे अगर यहाँ पे इसी इक्वेशन में एन की जगह पे मैंने माइनस एन डाल दिया, तो माइनस एन एक्स रेस टू माइनस एन माइनस वन, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस एन अपॉन एक्स रेस टू एन प्लस वन. ये समझाए कि नहीं, बताओ. इधर हाँ से इधर स्टेप समझा, समझा ना, वेरी गुड, नहीं यही है फॉर्मूला में. चलो और एक डाउट था तुमको, कौन सा, रूट एक्स वाला, राइट, रूट एक्स का डाउट था ना. सर. चलो रूट एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स. अभी रूट एक्स को कैसे लिखेंगे, रूट एक्स को लिखेंगे एक्स रेस टू वन बाई टू, ये पता है कि नहीं पता है, बताओ मुझे. यस सर. बस वन बाई टू मिल गया, मतलब हमारे जो एक्स रेस टू एन के फॉर्मूले में क्या है, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, एन की जगह पे मुझे डालना है वन बाई टू, ओके राइट. सर. तो वन बाई टू एक्स रेस टू वन बाई टू माइनस वन, करेक्ट. यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, वन बाई टू एक्स रेस टू माइनस वन बाई टू, ठीक है. ध्यान से एक एक स्टेप कर रहा हूं मैं, फिर क्या आएगा, वन बाई टू एक्स रेस टू वन बाई टू, डिनोमिनेटर में ले लिया तो माइनस हो गया प्लस, फिर यहां से आ जाएगा एक्स रेस टू वन बाई टू को मैं लिख दूंगा वन बाई टू रूट एक्स, क्लियर है, हाँ सर.
ठीक है चलो। चलो एक फॉर्मूला मेरी तरफ से ऐड कर लो, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई इज इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एक और चीज भी डिनोट करते हैं, मतलब डिनोशन इसका LnX से भी होता है। ठीक है, ये बहुत जगह काम आता है, बहुत जगह काम आता है, तो हम लोग इसको शॉर्ट में LnX भी लिख सकते हैं। चलो हम लोग सारे फॉर्मूलाज एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सारे कुछ फॉर्मूलेज हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग से हम लोग ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम लोग ने, डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था। डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या है, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इज डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, लेकिन ये सब नाम जानने की जरूरत नहीं है, नाम में कुछ रखा नहीं है। ठीक है, तो स्मॉल चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहला फॉर्मूला हम लोग ने क्या देखा, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। ठीक है, फिर हम लोग ने देखा अगर वाई इक्वल्स टू एक्स रेस टू एन ऐसा एक फंक्शन है, तो जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका क्या आएगा, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। ठीक है, एक फिक्स्ड फॉर्मूला है, ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। फिर हम लोग ने और देखा फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, टैन एक्स इज सेक्स स्क्वायर एक्स। करेक्ट, मतलब इसका कोई प्रूफ वगैरह नहीं है, जब भी दिखेगा टैन एक्स का डिफरेंशिएशन करो तो देने का सेक्स स्क्वायर एक्स, बस अपने को काम इतने करना है। फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए, ठीक है और भी क्वेश्चंस करेंगे, उसमें वापस आएगा ये सब। तो अभी हम लोग क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला सब एकदम अच्छे से नोटेड है, तो उधर से फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलो क्या क्वेश्चन दो, मुझे खुद से लेना पड़ेगा। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉसेक एक्स। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट इन टू, ठीक है, f(x) मतलब कोई भी फंक्शन x का हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, तो क्या आएगा, k इन टू डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट को हम लोग चुपचाप डिफरेंशिएशन के बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ। सो आई विल डू डी बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/3, 1/3 एक कॉन्स्टेंट है, वी विल टेक इट आउटसाइड, देन वी विल राइट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/4, एंड वी विल राइट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 4। ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 रेज टू x। करेक्ट, कॉन्स्टेंट को मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, तो कॉन्स्टेंट अगर मल्टीप्लाइड रहेगा कोई भी फंक्शन में, तो हम लोग उसको डिफरेंशिएशन के बाहर ले सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा 1/3 इनटू एक्स क्यूब, क्या क्या होगा, एक्स रेस टू एन, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। यस राइट, तो 3x² प्लस 1/4 इनटू 4x³ प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बताओ, फाइव सिर्फ 5। एक्स लॉग एक्स, हाँ 5 रेस टू x ln(x). ठीक है, ln ऑफ एक्स अगर तुम लोग कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो log x टू द बेस e। ठीक है, ये है पूरा फॉर्मूला, देख लेते एक बार, चेक कर लेते, कुछ ज्यादा ही आ गया मैं। तो यहाँ पे है हमारा फॉर्मूला e रेज टू x log a टू द बेस e। ठीक है, तो कुछ गलती तो नहीं की है ना, की है गलती, log 5 टू द बेस e ऐसा आएगा। ठीक है,
एकदम फॉर्मूला के हिसाब से जाना है अपने को। तो अगर इधर क्या होगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 5 रेज टू x log 5 to the base e, समझा? यस सर। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन 3, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, फिर और भी थोड़ा डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन दूं, log e x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इसका आंसर बताओ। वन अपॉन एक्स प्लस एक्स। ठीक है, मिड में तुम्हारा आया क्या? नहीं समझा सर। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे करेंगे हम लोग? तो डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग ई लॉग एक्स टू द बेस ई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, लॉग एक्स टू द बेस सी का फॉर्मूला क्या था? चलो जाते हैं ऊपर, तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, तो मैंने नोट करवाया था ये फॉर्मूला को यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई, दैट इज द फॉर्मूला इज 1 बाई एक्स। ठीक है, समझा? डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स टू द बेस सी का फॉर्मूला क्या है, 1 बाई एक्स। तो डायरेक्टली हम लोग क्या सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे, 1 बाई एक्स। ओके सर। ठीक है, तो प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x/2, तो 1/x प्लस एक्स। ठीक है, इतना क्वेश्चंस काफी है इसमें। अभी यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन आएगा तो बीच में सब्ट्रैक्शन आएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना तुम लोग, ठीक है, वो नेगेटिव पॉजिटिव में गलती मत करना। चलो यहाँ पे अभी चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है दो रूल, दो इम्पोर्टेंट रूल है डिफरेंशिएशन के, ठीक है, वो हम लोग पढ़ के क्लास एंड कर देंगे आज का, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल। क्या मल्टीप्लिकेशन रूल? सपोज अभी दो फंक्शन है, दो फंक्शन है, एक है यू एंड वी, ठीक है, और अच्छे से अगर लिखेंगे तो इसको, चलो एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू फंक्शंस, ठीक है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू फंक्शंस। अब मुझे क्या चाहिए, इन दोनों के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन चाहिए। सो आई विल राइट वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, मुझे क्या चाहिए, इन दोनों के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन चाहिए। तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, तो इसका फॉर्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, ध्यान से देखना, प्लस जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसमें क्या हो रहा है, हम लोग पहले एफ ऑफ एक्स को एज इट इज रख रहे हैं, ठीक है, एफ ऑफ एक्स को एज इट इज रख रहे हैं और डिफरेंशिएट कर रहे हैं सेकेंड टर्म को, डिफरेंशिएट कर रहे हैं सेकेंड टर्म को, फिर क्या कर रहे हैं, सेकेंड टर्म को एज इट इज रख रहे हैं और फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल से मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, सपोज y इक्वल्स टू
एक्स साइन एक्स, ठीक है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स। अब मुझे इसमें क्या अप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन रूल या फिर प्रोडक्ट रूल, जो भी तुम लोग बोलो। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पहले मुझे ये वैसे का वैसे रखना है, कुछ छेड़ना नहीं है इसको, तो एक्स को मैंने एक्स ही रख दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन साइन एक्स प्लस, अभी साइन एक्स को एज इट इज रखना है, साइन एक्स को मैंने एज इट इज रख दिया, देन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट टर्म, ठीक है। फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया समझ में आया ना इधर, यस सर, ओके। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज व्हाट, कॉस एक्स प्लस, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज वन, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज वन, क्योंकि एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, एन की जगह पे क्या है वन, तो वन एक्स रेस टू वन माइनस वन, वन एक्स रेस टू जीरो, एक्स रेस टू जीरो इज ऑलवेज वन, तो इसलिए आंसर है वन यहाँ पे। तो आंसर है एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, दिस इज वॉट मल्टीप्लीकेशन रूल, ओके। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन रूल, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिखा दिया मल्टीप्लिकेशन रूल का, अभी हम लोग करेंगे डिवीजन रूल। अभी डिवीजन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, डिवीजन करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है हमारा डिफरेंशिएशन का। चलो ये पार्ट पढ़ के हम लोग क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है। डिवीजन रूल, अगेन दो फंक्शंस है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, इस बार क्या करना है हम लोग को, डिवाइड करना है, तो एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसमें हम लोग को पहले डिनोमिनेटर को एज इट इज रखना है, तो जी ऑफ एक्स को मैंने एज इट इज रखा, डिनोमिनेटर को मैंने एज इट इज रखना है, जी ऑफ एक्स रखा, फिर एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। चलो ऊपर मैं वो भी कर लेता हूँ, अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूँ तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, कि डैश का सिंबलाइज करता है कि डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट में अगर हम लोग को लिखना है इसको, तो एफ डैश ऑफ एक्स जी डैश, सॉरी, एफ ऑफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, करेक्ट, जी डैश ऑफ एक्स मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, और एफ डैश ऑफ एक्स मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ इसको, तो मैंने लिखा जी ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस, फिर एफ ऑफ एक्स को एज इट इज रखना है और जी ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है, तो जी डैश ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक तो चेंज हुआ कि माइनस है बीच में, एंड डिवाइडेड बाय ये चेंज होगा जी ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, ठीक है। ये है फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला। चलो इस फॉर्मूला पे बेस्ड भी एक सम देख ही लेते हैं हम लोग, है ना, बस फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, नहीं तो कुछ फायदा नहीं फॉर्मूला यूज करके। तो y इक्वल्स टू, चलो क्या लेंगे इस बार, चलो एक्स स्क्वायर अपॉन टैन एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन टैन एक्स, मैंने ये फंक्शन लिया है, इसका मुझे क्या करना है डिफरेंशिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मैं रखूंगा डिनोमिनेटर को पहले, तो डिनोमिनेटर पहले क्या होगा, टैन एक्स, टैन एक्स को मैंने एज इट इज रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ टैन एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है, तो मतलब टैन एक्स द होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स इज, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज टू एक्स,
तो इसको मैं लिखूंगा 2x tan x माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, x square into, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec square x, ठीक है, तो ध्यान देना फॉर्मूलास पे, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec square x डिवाइडेड बाय tan square x, समझा सबको कैसे अप्लाई कर रहा हूँ मैं? यस सर। ओके चलिए इसमें एक दो क्वेश्चंस मैं तुम लोग को देता हूँ, फिर हम लोग एंड करते हैं लेक्चर को, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आई विल गिव यू इज x into e raise to x, ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन भी दे देता हूँ मैं, दैट इज x अपॉन x क्यूब अपॉन log x टू द बेस e, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो। इतना ही समझा, उसके बाद इधर x x को कैंसिल कर दो, ठीक है, तो आ जाएगा 3x स्क्वायर ln x माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय ln x द होल स्क्वायर, ठीक है, log e log x टू द बेस e को मैंने ln x लिखा। तो पहले सम में हम लोग ने क्या किया, फर्स्ट को एज इट इज रखा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फिर सेकंड को एज इट इज रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, मल्टीप्लिकेशन रूल में इतना ही है, लेकिन डिवीजन रूल में क्या है, सेकंड को एज इट इज रखना है, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना, माइनस सेकंड फर्स्ट फिर सेकंड को डिफरेंशिएट करना है डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है, आंसर ऐसे ही रखना है, इसका कुछ सॉल्व नहीं करना, समझ में आया ना? यस सर। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है, अगले क्लास में। ओके वेलकम।